क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों और सुंदर पहाड़ियों के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। ये केवल प्रकृति की गोद की नहीं है बल्कि यहाँ की मिट्टी ने इतिहास के कई अनकहे रहस्यों और रोमांचक घटनाओं को सहेजा हुआ है। सोचिए, ऐसा एक समय जब इस धरती पर महदूद गजनवी का कहर बरप रहा था, जब अशोक की धर्म नीति हिमालय की ठंडी हवाओं में गूंज रही थी और जब कटोच वंश की शक्ति को चुनौती दी जा रही थी। तारीख फिरोजशाही जैसे ग्रंथों में दर्ज कहानियाँ, हिमाचल प्रदेश का इतिहास जैसे अमृतानंद बसु की लिखी किताबें और द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा जैसे ग्रंथ, ये सभी प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश की मिट्टी केवल मिट्टी नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। और यही दस्तावेज हमें ले जा रहा है उस समय में जब हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों ने युद्ध, शांति और संस्कृति के कई रंग देखे। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए हिमाचल प्रदेश के उस मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानने के लिए जो न केवल रोमांचक है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस भूमि पर क्या क्या बीता होगा। यह है इतिहास की वो यात्रा जो आपको इस धरती की आत्मा से रूबरू कराएगी। लेकिन दोस्तों, इस रोमांचक सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैप्टर 2 एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश नहीं देखा है तो आप एक अद्भुत सफर से चूक रहे हैं। उस वीडियो में हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन से लेकर आर्यन इन्वेजन की थ्योरीज और हिमाचल की धरती पर पहले निवासियों कोल, कीरत और नाग जैसे जनजातियों की रोमांचक कहानियों से रूबरू कराया है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे आर्यों के आगमन ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धारा को बदला और कैसे शिमला के स्ट्रीट म्यूजियम में सुरक्षित प्राचीन सिक्कों और ताम्र पात्रों ने हिमाचल की खोई हुई विरासत को जीवित रखा है। अगर आपको जानना है कि किन्नर, कीरत और नाग जनजातियों ने हिमाचल की संस्कृति को कैसे आकार दिया तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको हिमाचल प्रदेश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की गहराइयों तक ले जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की मिडिवल हिस्ट्री के रोमांचक सफर पर। हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और शासकों का योगदान शामिल है। यह वह समय था जब हिमाचल प्रदेश की भूमि में अनेक राजवंशों, साम्राज्यों और आक्रमणों की गवाह बनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन घटनाओं के पीछे क्या कहानियां छुपी हैं? सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की नींव रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। इसके दौरान हिमाचल प्रदेश में उनके अधीन क्षेत्र में आया चंद्रगुप्त की सत्ता ने यहां के स्थानीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया, जिससे इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक, जो चंद्रगुप्त के पोते थे, ने बुद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया। अशोक की धम्म नीति और उनके द्वारा स्थापित शिलालेख हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पाए गए हैं। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और इस क्षेत्र में बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण हुआ, जिससे हिमाचल प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धारा पर गहरा असर पड़ा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्षेत्र किस तरह से बुद्ध धर्म के विकास का केंद्र बना? गुप्त साम्राज्य का प्रभाव न केवल प्रशासनिक था बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भी। इन शासकों ने इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, जिससे स्थानीय समाज और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या आपको पता है कि इस क्षेत्र में छोटे छोटे ठाकुरों और राणाओं का शासन रहा? यह वक्त वह था जब स्थानीय शासक धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे थे और हिमाचल प्रदेश की भूमि ने अपनी अनूठी संस्कृति को विकसित किया। 7वीं सदी की शुरुआत में हर्षवर्धन का उदय हुआ और अधिकांश छोटे राज्यों ने उनकी अधीनता को स्वीकार किया। हर्षवर्धन के समय में हिमाचल प्रदेश ने एक नया मोड़ लिया। उनके शासन काल में क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना हुई, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हिमाचल प्रदेश की धार्मिक धारा पर गहरा असर पड़ा। हालांकि हर्षवर्धन के हिमाचल पर शासन के बारे में विशिष्ट संदर्भों में कमी है, लेकिन उनके व्यापक उत्तरी भारतीय साम्राज्य में भूमिका को हर्षा एंड हिज टाइम्स बाय K.M. पनिक्कर जैसी पुस्तकों में जाना जा सकता है। ये पुस्तक इस क्षेत्र में उनके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को समझने में सहायक हो सकती है। अब चलते हैं एक और रोमांचक दौर की ओर, जब भारत के मध्यकाल में अफगानिस्तान के गजनवी साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार हमले किए। महमूद गजनवी एक क्रूर शासक था जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत के धन को लूटना, मूर्ति पूजकों यानी कि हिंदुओं का विनाश करना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। क्या आप जानना चाहेंगे कि गजनवी की ये हमले भारतीय सीमाओं पर किस तरह का कहर बरपाने वाले थे? गजनवी के हमले न केवल भारतीय सीमाओं पर कहर बरपाने के लिए थे बल्कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों पर भी गहरी चोट की। खासकर जब उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो उस समय लगभग 30 लाख की संपत्ति लूटी गई। लेकिन क्या यह हमला केवल लूट तक सीमित था या इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा? इन आक्रमणों ने भारतीय राजाओं की सैनिक कमजोरियां भी उजागर कर दी। क्या आपने सोचा है कि गजनवी का प्रभाव केवल मैदानी इलाकों तक ही सीमित रहा होगा? नहीं, इन आक्रमणों का असर पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ा।
बढ़ा, जहां हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में असुरक्षा का माहौल बना। सन 1900 के दशक में जब गजनवी ने नगर कोट पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसने वहां के अमीर गांवों और कस्बों को पूरी तरह से लूट लिया और नगर कोट में अपनी एक सैन्य चौकी स्थापित की। नगर कोट की लूट और गजनवी की आक्रामकता के बाद पहाड़ी राज्यों की सुरक्षा और सत्ता कमजोर पड़ने लगी। इस अस्थिरता ने दिल्ली सल्तनत की नजरों को हिमाचल प्रदेश के इन दुर्गम क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया, जहां सत्ता के नए केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं दिखने लगी। दरअसल दिल्ली सल्तनत के विस्तार के दौरान पहाड़ी राज्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन नगरकोट जैसी धनी क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिशें जारी रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नगरकोट पर कब्जा करने का प्रयास किया, हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं अब तक। लेकिन इसके बाद के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में पहाड़ी राज्यों पर एक बड़ा हमला किया। तारीख़े फिरोज शाही जैसे ग्रंथों में इसके स्पष्ट विवरण मिलते हैं, जहां नगरकोट की घेराबंदी और राजा रूपचंद की अधीनता को विस्तार से बताया गया है। फिरोज शाह ने इस क्षेत्र में न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि ज्वालामुखी मंदिर से 13 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवादित करने का आदेश भी दिया। मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स बाय सतीश चंद्रा में उल्लेख मिलता है कि कैसे दिल्ली सल्तनत ने हिमाचल प्रदेश की धनी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। LP शर्मा की हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट अभियान और उसके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन है, जो दर्शाता है कि कैसे ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त ग्रंथों ने उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित किया। लेकिन क्या यह सब कुछ था या इसके पीछे और भी कहानियां छुपी हैं? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करके की, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मुगलों का हिमाचल प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा? मुगलों के शासक अकबर ने पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई। उन्होंने पहाड़ी राजाओं के बच्चों और रिश्तेदारों को बंधक बना लिया ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य ने कांगड़ा के 66 गांवों पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। जहांगीर के शासन काल में मुगलों ने कांगड़ा पर कब्जा किया, जिसे 1615 में शुरू किया गया और 1635 तक इसको पूरा कर लिया गया। मुगलों के कांगड़ा पर कब्जे के साथ ही पहाड़ी राज्यों की स्वायत्तता धीरे धीरे खत्म होने लगी और यहीं से हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश कटोच वंश की कहानी में एक नया मोड़ आया। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण राजवंश कटोच वंश की। क्या आपने सुना है कि कटोच वंश, जो कांगड़ा पर सदियों तक शासन करता रहा, किस तरह से मुगलों द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया? कटोच वंश हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था, लेकिन 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने कटोच वंश को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि 1758 में महाराजा संसार चंद ने मुगलों को हराकर कांगड़ा पर पुनः कब्जा किया। उनके शासन काल पर हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट्स जैसी पुस्तकों में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा राज्य का विस्तार करने और चंबा, सुकेत, मंडी, बिलासपुर, गुलेर, जसवा, सिवान और दतारपुर को अपने अधीन करने का वर्णन मिलता है। संसार चंद ने कृषि और पशुपालन के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जल वितरिका यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाई। महाराजा संसार चंद के शासन काल में कांगड़ा एक बार फिर समृद्ध के शिखर पर पहुंच गया और उनकी दूरदर्शी नीतियों ने पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। हालांकि जैसे जैसे राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे बाहरी आक्रमणों का खतरा भी बढ़ता गया। 1804 में महाराजा रंजीत सिंह के आक्रमण ने संसार चंद की शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन कांगड़ा की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। इतिहास की धारा ने एक और मोड़ लिया जब हिमाचल प्रदेश की भूमि पर गोरखा साम्राज्य की नजरें जमने लगी। नेपाल में 1768 में सत्ता प्राप्त करने के बाद गोरखाओं ने धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और फिर आया 1856 निर्णायक समय, जब जनरल अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने कांगड़ा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। गोरखा आक्रमण के दौरान हिमाचल के कई क्षेत्र गोरखाओं के अधीन हो गए, लेकिन 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने कटोचों के साथ मिलकर गोरखाओं को हरा दिया और इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। गोरखा आक्रमण ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति और संस्कृति को ऐसे प्रभावित किया। जैसे जैसे हम हिमाचल प्रदेश की इस अद्वितीय यात्रा में गहराई तक गए, हमने देखा कि कैसे मुगलों के अधीनता से लेकर कटोच वंश की सत्ता के पुनः स्थापन तक और फिर गोरखाओं के आक्रमणों से महाराजा रंजीत सिंह की विजय तक इस क्षेत्र की कहानी उत्थान पतन से भरी हुई है। हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास केवल सत्ता संघर्ष का नहीं है बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसमें संस्कृति, धर्म और समाज की धारा के परिवर्तन भी शामिल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भूमि की सांस्कृतिक विरासत पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा? अगर आपको इस इतिहास की यह रोचक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल GK स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव, फीडबैक या विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट्स में साझा जरूर करें। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और हिमाचल की और भी कहानियों को जानें। धन्यवाद।